मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट ने बहुत से लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। वजह यह सामने आई कि पहले इमाद वसीम ने, उसके बाद जो है मोहम्मद आमिर ने भी अपनी रिटायरमेंट वापसी ले ली है। और मोहम्मद आमिर ने ट्विटर पर यह बात लिखी कि मैं पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हूँ 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए। याद रहे मोहम्मद आमिर ने इसके चलते हुए जब अवेलेबिलिटी जाहिर की है तो अपने काउंटी के कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़े हैं, और दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि उनकी नेशनलिटी भी जो इंग्लैंड की है वो भी दाव पे लग सकती है। इतना बड़ा फैसला मोहम्मद आमिर की जानिब से किए जाने ना इस बात की वाज़े दलील है कि मोहसिन नकवी से जो मुलाकात हुई चंद रोज़ कबल मोहम्मद आमिर की, तो उसने तमाम सूरत हाल को वाज़े कर दिया। और इस बात की यकीन दहानी ज़रूर कराई गई होगी मोहसिन नकवी की जानिब से कि आप पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर ज़रूर होने वाले हैं, वरना कोई भी इतना बड़ा प्लेयर जो है वो इतने बड़े अपने तमाम प्लान्स जो हैं उसको दाव पर नहीं लगाता है जब तक उसको 100% यकीन दहानी ना कराई जाए। और इसी के चलते हुए दूसरी तरफ इमाद वसीम ने जो अपनी रिटायरमेंट वापसी ली है वो भी इसी वजह से ली है कि उनकी भी कुछ रोज़ कबल जो है मोहसिन नकवी से मुलाकात की गई थी। कल शब जो है वो 29 प्लेयर्स के प्रोबेबल्स निकाले गए हैं जो काकोल एकेडमी पाकिस्तान आर्मी के अंडर ट्रेनिंग करेंगे, और उसमें इमाद वसीम का भी नाम आया है, मोहम्मद आमिर का भी नाम आया है, और दूसरी तरफ उस्मान खान का भी नाम आया है। ये बहुत एक हैरत अंगेज़ नाम था मेरे लिए भी और बहुत से लोगों के लिए भी कि उस्मान खान भी इसमें शामिल हैं। अब या तो उस्मान खान पाकिस्तान के लिए खेल जाएंगे, या उन्होंने जो फैसला किया था यूएई की जानिब से खेलने का वो दुरुस्त साबित हो भी सकता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अगर करंट प्लेइंग 11 आप बनाने जाएंगे तो आपको खुद भी पता है कि आप उस्मान खान को किस जगह पर रखेंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो फ़खर जमान का स्पॉट है सेकंड टाउन, वहाँ आप उस्मान खान को जगह देंगे, तो आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं क्या उस्मान खान की वो जगह बनती है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ओपनिंग के लिए भी हमारे अभी थोड़े से मसले मसाइल दरपेश मौजूद हैं, क्योंकि साइम अयूब के साथ बाबर आजम ओपन करने वाले हैं, मोहम्मद रिजवान अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो जराए कह रहे हैं वो ये हैं कि इस बार कुर्रा जो है बाबर आजम के नाम का निकलने वाला है। और दूसरी तरफ एक चीज़ ये भी सामने आई कि अगर मोहम्मद आमिर प्लेइंग 11 के अंदर होते हैं तो पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें नसीम शाह आपको नज़र आ रहे होंगे, उसमें आपको शाहीन शाह अफरीदी नज़र आ रहे होंगे, और दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर नज़र आ रहे होंगे। अब तीन ऐसे बॉलर जो कि दुनिया में किसी भी टीम को कदमों पर लाने की सलाहियत रखते हैं, और वो यही तीन हैं। दूसरी तरफ अब हारिस रऊफ का क्या फ्यूचर होने वाला है, कि किस तरीके से हारिस रऊफ को हम पाकिस्तानी टीम में एंटरटेन करेंगे, ये बहुत से चीज़ें जो हैं वो सामने आना बाकी हैं। अब देखते हैं कि मुस्तकबिल जो इन तमाम प्लेयर्स का जो रिटायरमेंट लेकर वापसी आ रहे हैं क्या होता है, और किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के कप्तान जो भी होते हैं, शाहीन शाह अफरीदी या कोई और, वो उनको किस तरीके से आगे लेके चलते हैं।